सो आज अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं माइग्रेशन इन पीसीज या फिश के अंदर, कि मछलियों में माइग्रेशन किस तरह से होता है, इस चीज को आज अपन इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार माइग्रेशन आखिरकार क्या होता है। तो माइग्रेशन क्या होता है कि किसी स्पेशल पर्पज हेतु वन पैलेस से अनोदर पैलेस पर जाना तथा वो पर्पज कंप्लीट होने पर वापस अपने पैलेस पर आ जाना ही क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। मतलब किसी कोई भी पर्पज ले लीजिए आप, अब वो पर्पज मछलियों के अंदर क्या हो सकता है, मछलियों के अंदर ज्यादातर जो माइग्रेशन होता है ना वो क्या होता है, या तो रिप्रोडक्शन के लिए होता है या फूड के लिए, इनके अंदर ज्यादातर माइग्रेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है मछलियों के अंदर। दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो फूड के लिए होगा वो माइग्रेशन या रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेशन होगा। तो बात कर लेते हैं अपन वो किस टाइप की मछलियां होती है जो माइग्रेट करती है। तो सबसे पहला आ जाता है ओसिनोड्रमस मछलियां किस टाइप की होती है। तो देखिए इस कैटेगरी के अंदर उन फिशेस को रखा गया है जो क्या करती है, जो ओशियन का जो जल होता है मतलब जो समुद्री जल होता है उसके अंदर लॉन्ग डिस्टेंस की क्या करती है, यात्रा करती है। क्यों करती है, एक देने के लिए करती है और एक देने के बाद वापिस अपने ही पैलेस पे क्या आ जाती है, वापिस लौट आती है। इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी मछलियां आ जाती है, एग्जाम्पल की बात करें तो क्यूपिया आ गया और ट्यूनी नास आ गया। इस दो टाइप की मछलियां आ गई जो क्या होती है, ओसिनोड्रमस फिशेज के अंदर आती है। मतलब ये क्या करती है, समुद्र में रहने वाली फिशेज होती है जो क्या करती है, उसी समुद्र के अंदर क्या करती है, लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी तय करती है। किस लिए करती है, एक देने के लिए करती है, एक देके वापस क्या आ जाती है, अपने स्थान पर वापस लौट आ जाती है। ये किसके अंदर आ गया, ओसिनोड्रमस फिशेज के अंदर आ गई। नेक्स्ट फिशेज आ जाती है उनको बोला जाता है पोस्टामोड्रमस पिसीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोस्टामोड्रमस पिसीज बोला जाता है, मतलब स्वच्छ जलगामी मछलियां आ जाती है। इस कैटेगरी के अंदर उन फिशेज को रखा जाता है जो क्या करती है, फ्रेश वाटर के अंदर तो रहती है और इसी फ्रेश वाटर के अंदर क्या करती है, लॉन्ग डिस्टेंस की क्या करती है, यात्रा करती है। मतलब जो ओसिनोड्रमस था उसके अंदर तो क्या करेगी, जो फिशेज होगी वो समुद्री जल के अंदर क्या करेगी, समुद्र का जो वाटर होगा मतलब जो मेराइन वाटर होगा उसके अंदर लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी करेगी एक देने के लिए। लेकिन जो पोस्टामोड्रमस होते हैं ना उनकी जो मछलियां होगी, इस कैटेगरी में जो मछलियां आएगी वो मछलियां क्या करती है, फ्रेश वाटर के अंदर क्या करती है, लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी तय करती है। किस लिए, एग देने के लिए मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसका एग्जांपल आ जाता है कार्प आ गया और ट्राउट नाम के ये मछलियां आ गई। तो आपसे ओसिनोड्रमस एंड पोस्टामोड्रमस के अंदर डिफरेंस पूछ लीजिए तो दोनों की क्या करती है, सेम वाटर रहता है। मतलब ऐसे नहीं है कि एक मेराइन से ओशियन के अंदर मतलब मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर के अंदर चली गई, फ्रेश से मेराइन में आ गई, ऐसा नहीं होता है। जो ओसिनोड्रमस होती है इसके अंदर क्या होगी, जो ओशियन में जो मछलियां रहेंगी मतलब जो मेराइन वाटर में मछली रहेगी वो मेराइन वाटर में ही लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी तय करेगी और वहां एक देगी और वापस आ जाएगी। जबकि पोस्टामोड्रमस होगा ना इसके अंदर जो फिश होगी वो क्या करेगी, फ्रेश वाटर के अंदर क्या करेगी, लॉन्ग डिस्टेंस क्या करेगी, तय करेगी। तो दोनों के अंदर डिफरेंस आप सबको पता चल गया। अगला अपनी मछली आ जाती है एनोड्रोमस फिशेज आ जाते हैं जिनको समुद्रपगामी मछलियां बोलते हैं। इस कैटेगरी के अंदर उन फिशेज को रखा जाता है जो क्या करती है, मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाकर क्या करती है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करती है, मतलब क्या करती है, एग देती है। मतलब एनाड्रोमस वो मछलियां होगी ये क्या करेगी, फ्रेश वाटर में तो रहती है लेकिन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए कहां जाती है, मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर के अंदर जाती है। फॉर एग्जाम्पल आ जाता है साल्मो सोलार आ गया और हिल्सा नामक फिशेज आ गई, ये किसके अंदर आ गई, एनाड्रोमस के अंदर। फिर आ जाती है केटाड्रोमस फिशेज आ जाती है, इनको क्या बोला जाता है, समुद्राभिगामी मछलियां इनको बोला जाता है। इस कैटेगरी की जो फिशेज होती है ना वो क्या करती है, फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर के अंदर क्या करती है, माइग्रेट करती है। फॉर एग्जाम्पल क्या आ गया, इल आ गया। तो देखिए इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस रह गया, एनाड्रोमस के अंदर डिफरेंस पूछ लिया जाए या केटाड्रोमस के अंदर डिफरेंस पूछ लिया जाए, तो दोनों में एक डिफरेंस ये है कि ये क्या करती है, एनाड्रोमस वाली तो क्या करेगी, मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर के अंदर जाएगी, किसके लिए, रिप्रोडक्शन हेतु। और केटाड्रोमस के अंदर क्या होगी, फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर के अंदर जाएगी मछलियां रिप्रोडक्शन के लिए। दोनों का एग्जांपल भी आपने देख लिया। अब अपना लास्ट आ जाता है एम्फीड्रोमस फिशेज। एम्फीड्रोमस मतलब उभयगामी मछलियां, नाम से पता चल रहा है एम्फी, मतलब इस कैटेगरी के अंदर वो फिशेज आएगी जो फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर में भी जाएगी और मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर में भी माइग्रेट करती है। लेकिन याद रखना एम्फीड्रोमस फिशेज होगी ना उनका जो पर्पज रहता है वो रिप्रोडक्शन नहीं रहता है, उनका पर्पज रहता है फूड हेतु। मतलब वो ओनली फॉर एक ही उनका उद्देश्य रहेगा, ये इनको फूड के लिए ही ये एक मतलब मेराइन से फ्रेश वाटर में जाएगी, फ्रेश से मेराइन वाटर में आएगी, रिप्रोडक्शन इनका कतई उद्देश्य नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आ गया गोबीज नामक मछली आ जाता है। तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, यहाँ सिर्फ आपको समझाने के बेसिस पे था।
और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू।